खबर आजमगढ़ बुढ़नपुर से विकासखंड कोयलझा के परिसर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायत से रैली निकाली गई, जिसमें विकासखंड कोयलझा 17 ग्राम पंचायत द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गणेश भैसा सुर भदौरा बिस्टारा गाजीपुर दुबाबे देवरिया मोलापुर दशराज पट्टी टहर किशनदेवपुर लहरपार मदनपट्टी बासीपुर मोलापुर नथनपट्टी सहित अनेक से कलश शोभायात्रा निकालकर ब्लॉक परिषद में एक जगह पर इकट्ठा हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विकासखंड कोयलझा के तत्वाधान में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। खंड विकास अधिकारी श्वेतांग सिंह व प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव ने कलश यात्रा को रवाना किया। बुढ़नपुर चौक से यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें महिलाओं ने अमृत कलश अपने सिर पर धारण करते हुए मंगल गीत भी गाए। खंड विकास अधिकारी श्वेतांग सिंह ने कहा कि आजादी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अमृत कलश यात्रा का उद्देश्य उन वीर जवानों का सम्मान करने से है, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के लिए गौरव का पल है और कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी गौरवमयी संस्कृति का परिचय देते हुए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कोयलझा मंडल अध्यक्ष राजेश और कौड़िया आशुतोष चौबे, प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, एडीओ पंचायत अमरजीत सिंह, हरकेश परमार, कवलधारी यादव, मनोज यादव, अखिलेश सूर्यवान, सूर्यदीप सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद। अरे है भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत चलिए ऐसी कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज जो है मेरा माटी मेरा देश वीरों का बंधन माटी का अभिनंदन के कार्यक्रम के तहत जो है विभिन्न ग्राम पंचायतों से जो चावल और मिट्टी का एकत्रीकरण था कलश यात्रा के माध्यम से जो विकास खंड पे लाया गया था, आज भावपूर्ण मिश्रण उस मिट्टी और उसका चावल का करके ब्लॉक स्तरीय कलश तैयार किया गया था, जिसमें यहाँ विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायतगण, ग्रामवासी, आदरणीय प्रमुख प्रतिनिधि, उसके बाद यहाँ के भाजपा के मंडल अध्यक्ष और हमारे विकास खंड के सभी हमारे सहयोगी कर्मचारीगण उपस्थित रहे, जिसमें कि दो तीन मुख्य कार्यक्रम किए गए, जिसमें कि एक तो भावपूर्ण मिश्रण हुआ है सभी का, एक कलश तैयार किया गया है, माटी गीत का आयोजन स्थानीय कलाकारों के माध्यम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, सभी को पंचप्रण दिलाई गई, हमारे जो शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे उनका सम्मान किया गया है और इस तरह ये कार्यक्रम आज का समाप्त किया गया। इसके बाद अब एक बार कलश यात्रा यहाँ से जिला मुख्यालय के लिए आगामी तिथियों में यहाँ से प्रस्थान करेंगे।